दिया लड़के को चाकू। काट दिया लड़की का हाथ और तमाशा देखते रहे लोग। दिल दहला देने वाली दो कहानी। दिल्ली में शैतानों की टोली ने एक लड़के को चाकू से गोद दिया। लोग उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गुंडों को रोक सके। डरे हुए लोग तो बस वीडियो बनाते रहे। आप भी देखिए इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये सच्ची घटना। इस लड़के को कुछ गुंडों ने सरेआम चाकू से गोद डाला। लोग तमाशा देखते रहे। मौत के पंजे में फंसा ये लड़का लोगों से मदद की भीख मांगता रहा। इससे शर्मनाक भला क्या होगा कि वहां मौजूद लोग उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। मौत का तमाशा। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में कुछ बेखौफ गुंडों ने अकबर नाम के इस लड़के पर किया था जानलेवा हमला। गुंडों ने चाकुओं के ताबड़तोड़ वार से बुरी तरह लहूलुहान कर दिया और तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए। अकबर के जिस्म में चाकू धंसा हुआ था। उसके शरीर से खून का एक एक कतरा बह चुका था। मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सांसें डूब रही थी। हलक सूख रहा था। खून से लथपथ लड़का पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था। लेकिन किसी ने भी उसे पानी नहीं पिलाया। बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। एक जिंदा इंसान की मौत का तमाशा। तमाशबीन भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लड़के को उठाकर अस्पताल पहुंचाने के बजाय अपना ज्ञान बघार रहे थे। बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे थे कि पानी मत पिलाना वरना चाकू का जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। लड़का तड़पता रहा। कुछ लोग उसे देखकर भाषण देते रहे। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। लेकिन जख्मी लड़के को अस्पताल पहुंचाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। नतीजा यह हुआ कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक परिवार का सहारा हमेशा के लिए छिन गया। इसको मारा गया है, बहुत इतने चक्कू मारे, इतने चक्कू मारे, कुछ कहने की हद नहीं है। उसका शरीर शरीर पूरा अलग अलग है। मैं उसके मां हूं। मैं अपने बच्चों को 15 दिन से नहीं मिली। मैं ना भूल गई थी। चलो ने मारा है। मैं ना भूल गई थी। मैं भूल गया जब मैं आई। मैं अपने बच्चे के अकबर की मौत की खबर ने उसके घर में कोहराम मचा दिया है। और जितने भी आदमी थे सबने देखा, किसी ने सहारा नहीं दिया। वो पानी मांगता गया, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, दो बूंद मुझे पानी दे दो। पानी के लिए तड़पता गया और लोगों ने वीडियो बनाई मजे लेने के लिए, पर पानी किसी ने नहीं दिया। आज मेरे साथ हो या कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए क्यों ना फिर इंसाफ करो। परिवार वालों की माने तो अकबर को एक साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया है। इन लोगों ने इलाके के ही कुछ गुंडों पर हत्या का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने को उसने बयान दिए हैं, डॉक्टर के सामने ही बोला है, मुझसे मेरे भाई ने मेरे हाथ पकड़ के भी बोला है, नाम लिए मोनू सुभान सुहेल का, कि इन लोगों ने, और कराने वाला शरीफ इंसान, शरीफ नाम है। मेरे भाई ने बयान दिया है। भाई ने मेरे को बताया, मैंने कहा क्या हुआ अकबर,
मेरा भाई, इन्होंने पहले सबसे पहले आंखों के अंदर मिर्ची डाली मेरे पीछे से, उसके बाद फिर उन्होंने चाकू पे चाकू मारते रहे। मैंने कहा कौन कौन थे, तो उसने बताया मोनू है, सुभान है, फारूक है। मैंने किसने करवाया, कहता ये शरीफ ने करवाया। परिवार वालों का कहना है कि अकबर को सिर्फ इस बात की सजा मिली कि वो लोगों की मदद करता था। जिन लोगों पर हत्या का इल्जाम है वो इलाके में गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली का काम करते थे, अकबर उनका विरोध करता था। यही बात हमलावरों को खटक रही थी, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। अकबर का परिवार हत्यारों के लिए सख्त से सख्त सजा चाहता है। हम फांसी, जैसे मेरे भाई की जान गई है, मारने वाला भी जान से जाए, मरवाने वाला भी जान से जाए, किसी के साथ ना हो ऐसा। खून से लथपथ अकबर जिन सीढ़ियों पर तड़प रहा था, जहां वो लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था, एबीपी न्यूज की टीम जब वहां पर पहुंची तो पहले तो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ लोग बात करने के लिए तैयार हो गए। इलाके के लोगों ने बताया कि अकबर को मदद मिलने में देरी हुई थी। अकबर को ख्याल है कि सी ब्लॉक में इसी जगह पर चाकू से गोदा गया था। जो वीडियो है वो यही की है, अकबर यहीं पर काफी देर तक पड़ा रहा, चाकू उसके बदन में लगा हुआ था, पानी वो लगातार मांगता रहा। बताया जा रहा है कि आंखों में मिर्चें डाली गई थी हमला करने से पहले, उसके बाद हमलावरों ने एक के बाद एक चाकू से वार किया और वो यहाँ पर पड़ा रहा। कुछ इसी तरह से भीड़ जमा थी, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, वो लगातार पानी मांग रहा था। आपको बता दें कि जो है अकबर की जो है परसों मंगलवार में चाकू से हमला किया गया था। कुछ लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं, आप थे यहाँ पर उस वक्त जिस वक्त हमला किया था, क्या हुआ था यहाँ पर? नहीं, हम बाद में आए हैं। अच्छा, तो वो यहाँ पे लेटा हुआ था, फिर थोड़ी देर पुलिस देखा उसको लेटे हुए यहाँ पे जब आप आ गए थे। हाँ जी, लेटे हुए थे। इस इलाके के पुरुष तो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन कुछ महिलाएं आगे आई। उन्होंने बताया कि अकबर तकरीबन घंटे भर से ज्यादा तड़पता रहा था, अगर उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। मैंने तो देखा है भाई, चाकू पड़ा हुआ था, उसके एक घुसा हुआ था, खून सारा बह रहा था, इतना तगड़ा वो बेचारा तड़प रहा, पानी मांग रहा, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा, कोई मदद ही नहीं कर रहा था। कितनी देर बाद मदद मिली, कितनी देर बाद यहाँ पर ले गए? कम से कम एक घंटा तड़पा है वो यहाँ पर। ये एक बात बताओ, जो आज ये सारी जनता, जो आज ये जनता खड़ी है, जनता परसों थी, कल भी थी, जब वो लड़का हम मारा गया था, इस जनता ने वो बच्चा क्यों नहीं बचाया? तमाशा देखने वाली जनता बहुत होती है भैया, बचाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तमाशा कोई हाथ ही नहीं लगाने को तैयार था, आगे ही नहीं कोई आ रहा था, आगे कोई नहीं आ रहा था। मैं बहुत देर तक बोलती रही लोगों से कि बेचारे को ले जाओ ले जाओ, बहुत खून बह रहा है, लेकिन कोई नहीं लेकर गया। दिल्ली के जो बेखौफ गुंडे एक नौजवान की हत्या करने आए थे, उन गुंडों ने एक महिला को भी अपना निशाना बनाया था। इस वारदात के बाद वो महिला अब तक सदमे में है। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके के रहने वाले अकबर पर ख्याला इलाके में हमला हुआ था। उस वक्त वो अपनी दुकान पर जा रहा था। अचानक हुए इस हमले के बाद अकबर ने अपनी जान बचाने के लिए एक कार में घुसने की कोशिश की थी। वो कार थी इसी इलाके में रहने वाले नितिन की। हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा वाकया हुआ था। 22 साल के अकबर की हत्या कर दी गई थी। दरअसल हत्या, जब हमलावर अकबर पर हमला कर रहे थे, तो ये जो आप घर देख रहे हैं ये नितिन का है, जो इस इलाके में रहते हैं। लड़का आया, वो अपने बचाव के लिए वो गाड़ी में बैठा, तो उसके हम तो अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में थे, हम तो हाथा भाई जैसे मुक्के मुक्के मारते वो लड़ाई होगी, तो मैंने अपनी बेटी को यूँ पकड़ लिया ताकि देखे ना, 5 साल की बेटी मेरी, तो पीछे से लड़के और आए, हम ध्यान ही नहीं गया हमारा, हम तो अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में, वो पीछे जाके उसके चाकू मारने लग गए। हमले के चश्मदीद नितिन के मुताबिक उस वक्त ये अपनी पत्नी सीमा के साथ अपनी 5 साल की बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। अकबर की जिंदगी छीनने पर आमादा बदमाशों ने सीमा को भी नहीं बख्शा, उसे भी उन्होंने चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पीछे से चाकू मार रहे थे वो, मैं बच्चे को बचा रही थी तो उन्होंने मेरे हाथ पे चाकू मारे, पीछे चाकू मारे, ये पूरा चाकू चाकू से मार के पूरा हाथ खोल दिया मेरा। अच्छा, पीछे भी चाकू मार, ये था। सीमा अब तक सदमे में है। ये माँ अब तक उस मंजर को भुला नहीं पा रही है जब इनकी कार में घुसे शख्स पर चाकुओं के ताबड़तोड़ वार हो रहे थे और इनकी मासूम बेटी की जिंदगी खतरे में थी। सीमा और नितिन अगर खुद सामने आकर बेटी को नहीं बचाते
तो बच्ची को चाकू लग सकते थे। सर वो अब बेटी को दरवाजे के पास खड़ी थी, वो बेटी को अपनी बेटी को बचा रही थी वो, तो उसके हाथ पे लग गया। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारी होनी बाकी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी तफ्तीश कर रही है, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस को लगता है कि इसमें और लोग भी शामिल हैं, लिहाजा पुलिस जो है और लोगों की गिरफ्तारी में लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है। कुछ और लोग इसमें गिरफ्तार भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन सी के सिंह के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।